खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि होलिका दहन भगवान नृप सिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। होलिका दहन यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे पांडे हाटा चौराहे से योगी आदित्यनाथ की यात्रा शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से आज से सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होने वाले हैं, जहां पर वे होलिका दहन भगवान नृप सिंह की शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि होलिका दहन भगवान नृप सिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। होलिका दहन यात्रा में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। सुशील, आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर होंगे योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 4 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ आज करीबन 3:30 बजे के बाद जो है गोरखपुर आ सकते हैं। गोरखपुर आने के बाद 20 तारीख को पल्स पोलियो के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो फिर आगे रवाना होंगे। अब ऐसे में अगर आपको बता दें तो कल जो है देर शाम जो है होलिका दहन के भव्य शोभा यात्रा के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और वहां पे भगवान नरसिंह की आरती भी करेंगे। और उसके बाद जो है एक भव्य शोभा यात्रा निकलती है जिसमें अलग अलग झांकियां निकलती हैं, उसमें वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद ठीक दूसरे दिन यानी होली के दिन 19 तारीख को सुबह वो नरसिंह भगवान नरसिंह के शोभा यात्रा में शामिल होंगे और यहाँ के लोगों के साथ होली खेलेंगे, क्योंकि वो कल सदियों से इस तरह के होलिका जो और होलिका दहन का शोभा यात्रा में और नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा में वो शिरकत करते हैं और यहाँ के लोगों के साथ होली खेलते हैं। और यहाँ घंटाघर से वो शुरू होती है भगवान नरसिंह की यात्रा और आरती के बाद से जो है वो होली खेलते हुए सीधे गोरखनाथ मंदिर तक जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसको लेकर के कितना बड़ा दिन होगा। और योगी आदित्यनाथ चूंकि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के यहाँ के लोगों में भी खासा उत्साह नजर आएगा। जी सुशील, इस बार जो जश्न है होली का वो भी दोगुना होने जा रहा है, क्योंकि जितना प्यार गोरखपुर वासियों से सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला वो काफी ज्यादा है और यही वजह थी कि चुनावों में भी उनको जीत हासिल हुई है। योगी सरकार 2.0 भी आने वाली है, किस तरह की तैयारियां जो है गोरखपुर में की गई है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ के लोगों की माने तो योगी आदित्यनाथ से जो है उनका स्नेह बहुत ज्यादा है। कोई उन्हें बाबा कहता है, कोई उन्हें महाराज जी कहता है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इस बार जब दोबारा वो उत्तर प्रदेश में काबिज हुए हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि घंटाघर में जो भीड़ शायद देखने को मिलती थी उससे दुगनी भीड़ जो है इस बार घंटाघर में देखने को मिलेगी। लोग अपने मुख्यमंत्री को दोबारा बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए पहुंचेंगे और उनके साथ होली खेलेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर के उनके साथ होली खेलते हुए जाते हैं। बाकायदे सभी को रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए जाते हैं और सभी को बधाई हुए देते हुए चलते हैं। तो इस बार अच्छी खासी संख्या देखने को मिलेगी और इसको लेकर के जिला प्रशासन ने और पुलिस महकमा ने पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया गया है और आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जी साथ ही सुशील, उन रूट्स की अगर बात करें कि कहां से ये दौरा शुरू होने वाला है और कहां खत्म होगा, तो एक बार विस्तार से उन रूट्स के बारे में बता दीजिए। देखिए होलिका दहन की अगर हम बात करें तो वो पांडे हाता से स्टार्ट होगा, लेकिन होलिका दहन में पांडे हाता पे भगवान नरसिंह की आरती करने के बाद वहाँ संबोधन के बाद वहाँ से योगी आदित्यनाथ वापस लौट जाएंगे। लेकिन होली के दिन यानी जब भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकलेगी उस दौरान वो उसी रथ पर सवार होकर के मंच से जो है संबोधित करेंगे और उसके बाद से फिर भगवान नरसिंह की आरती करेंगे और उसी दौरान से होली शुरू होगी और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ेगा जो कि बसंतपुर होते हुए राजघाट होते हुए और जो है रेती साहिबगंज होते हुए और इस तरह से पूरे इलाके से होते हुए बक्सीपुर होते हुए फिर सीधे गोरखनाथ मंदिर तक जाएगा। तो ये काफी लंबा रूट है और इसको लेकर के पूरी व्यवस्था कर ली गई। जी सुशील, इस पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।